लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। वॉइस टीवी में आपका फिर से स्वागत है। पार्षद ने नलकूप ऑपरेटरों का वेतन रोकने को लेकर अपर नगर आयुक्त को दिया ज्ञापन। जी हां, आपको बता दें नगर निगम के हालात बद से बदतर बने हुए हैं। जी हां, कभी नगर निगम अधिकारियों का शोषण तो कभी गरीब मजदूर ट्यूबवेल ऑपरेटरों का शोषण। इसी को देखते हुए पार्षदों ने वेतन न रोकने को लेकर अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन दिया, जिसमें वार्ड नंबर 25 पार्षद मुनेंद्र यादव ने बताया कि महापौर महोदय नगर निगम के गरीब मजदूर ट्यूबवेल ऑपरेटरों के शोषण में लगी हुई हैं। मेयर अपनी मानसिकता से न चलकर बच्चों की तरह हरकत कर रही हैं। अगर आपको कहीं घोटाला दिख रहा है, आप ठेकेदार पर कार्यवाही कीजिए, लेकिन नलकूप ऑपरेटरों का भुगतान कीजिए। इतने दिन हो गए, अगर ठेकेदार ने गलत किया है तो कार्यवाही क्यों नहीं की गई? महापौर महोदय इस ठेकेदार को हटाकर अपने किसी खास लोगों को देने में लगी हुई हैं। फिरोजाबाद से शेखर यादव की रिपोर्ट। ये जो हमारे मेहनती ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं, जो दिन रात लोगों की पानी की समस्या को दूर करते हुए पानी पिलाते हैं, आज गलत नीतियों के कारण, महापौर की गलत नीतियों के कारण, ओछी मानसिकता के कारण, बचपने के कारण जो उनकी तनख्वाह को रोक दिया गया है, अब इनसे ये पूछा जाए महापौर जी से कि ये बेचारे गरीब ऑपरेटर हैं, इनका घर का गुजारा कैसे होगा? कोरोना का काल वैसे ही है, सभी लोग वैसे ही परेशान हैं। अगर उन्हें कहीं लगता है कि कहीं भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी वो जाँच कराएँ। ये जो गरीब ऑपरेटर हैं, ये तो कोई भ्रष्टाचार करेंगे नहीं, इनके पद पे तो कोई रहते हुए कोई ऐसा काम नहीं हो सकता जो कोई बहुत बड़ा घोटाला हुआ हो। जहाँ पे घोटाला हुआ है, उन्हें लगता है कोई उनका जो भी उनका उद्देश्य हो, तो वहाँ वो जांच कराएं। किस वजह से ये वेतन रुका कुछ पता है? ये कुछ नहीं है, महापौर जी की ओछी मानसिकता है। उनका ये है कि कैसे भी ये नलकूप का जो टेंडर है वो उनके खासम खास को मिल जाए, फिर वो इस पर मनमानी करें, बस ये उनका उद्देश्य है। अगर कोई कमी होती तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इतने दिन हो गए इस मामले को चलते हुए, आज तक कोई कार्रवाई हुई ठेकेदार पे? बताइए आप, क्यों नहीं ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है? ये बस सिर्फ ठेकेदार को ही इस तरह से बदनाम किया जा रहा है, जिससे कि और कोई ठेकेदार निगम में ना आके काम करें। बस वो ये चाहती हैं महापौर महोदय कि उनके ही पाले हुए ठेकेदार काम करें, सारा कमीशन उन्हें दें और उल्टा सीधा सब सिस्टम यहाँ का बंटाधार हो जाए निगम का।